हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रिकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। मैं लेकर आई हूं वृश्चिक राशि फल मई मंथ के लिए। गाइस, ये रीडिंग, इस बार की रीडिंग पिछली मेरी वीडियो से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार मैं लेकर आई हूँ गाइडेंस कार्ड। ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं मई मंथ के लिए, एंजल मैसेजेस, लव मैसेजेस और अफर्मेशंस कि आपको क्या अफर्मेशन देनी चाहिए जिससे कि आप मई मंथ को बहुत ही अच्छे से बिता सके और जो भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर सके। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो, और ये सन साइन बेसिस पे होती है तो अकॉर्डिंग टू योर सन साइन आप इसे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि पर मई मंथ के लिए। वृश्चिक राशि पर मई मंथ के लिए वृश्चिक राशि मई मंथ आपका क्या गाइड कर रहा है आपको? ओके, ओरेकल कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं वृश्चिक राशि की थोड़ा सा पेशेंस रखें। जो भी चाहते हैं आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, रेस्ट एंड रेजोल्यूशन कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। अगर आप अच्छे हीलर हैं तो आप हीलिंग कर रहे हैं, और जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं, बहुत सारे नॉलेज गेन कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वो रास्ता जल्द से आपको मिल जाए, जिधर आप जाना चाहते हैं वो आज ही आपका सारा काम हो जाए। तो इस तरह का मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, लेकिन पेशेंस कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, डिवाइन टाइम का वेट करें। अच्छा समय हमेशा अच्छी चीज़ों को लेकर आता है, तो जब भी वो समय आएगा आप ऑटोमेटिकली सब काम हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा जो नॉलेज गेन आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो काम शुरू करना है उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें। एक्सपीरियंसिंग कार्ड भी मुझे यहाँ दिखा रहा है कि एक्सपीरियंस लेते रहें, मई मंथ एक्सपीरियंस लें, गाइडेंस लें, जिसको भी इसकी सबसे ज़्यादा नॉलेज है उनसे मिलें, उनसे बात करें और अपनी नॉलेज को और गेन करें। जिस भी रास्ते आप जा रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। आपके काम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जिस रास्ते आप जा रहे हैं वो भी एकदम परफेक्ट है, वो आपके लिए बेस्ट है। कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और नाइन ऑफ कप्स कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि सारी विशेष पूरी होने वाली है, लेकिन सतर्क ज़रूर रहें। जैसा कि पेशेंस कार्ड और लेजीनेस कार्ड, दो कार्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं। आपको लग रहा है कि अभी सही समय है कि मुझे ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन कुछ कमी की वजह से या फिर कुछ नॉलेज की कमी की वजह से काम बिगड़ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी बिगड़ सकता है, सॉरी, बट ये कहूँगी कि वो काम उस तरह नहीं हो पाएगा जिस तरह आप चाहते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रख के और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आपके आए हैं। वृश्चिक राशि के लिए एंजल क्या मैसेज देना चाहती हैं? वृश्चिक राशि एंजल के मैसेजेस, यस, जैसा कि मैंने कहा कि पावर एनिमल भी ये दिखा रहा है कि अपनी स्प्रिट गाइड से गाइडेंस ले। आप किसी और से गाइडेंस भी ले सकते हैं, या फिर अपने ही मन से अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने और इनर वर्क करके जाने की क्या कमी आपने रख दी है। वेगन, आपको थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा इंटेक करना है, क्योंकि मई मंथ में अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जैसा कि मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोच विचार है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, तो थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें, अच्छी डाइट लें।
इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, तो ये मुझे यहाँ दिखा रहा है कि अगर जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, अगर थोड़ा नर्वस आप फील कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हैं आप जब उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस दुगुना हो गया है। तो बहुत अच्छे से आज सब कुछ बहुत सॉर्ट आउट मुझे होता हुआ दिख रहा है, बस डिवाइन टाइम का वेट करें, अच्छे समय का इंतज़ार करें। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। लव मैसेजेस फॉर वृश्चिक राशि। आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से चल रहा है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कैन नॉट डिस्ट्रॉय अवर रिलेशनशिप, और यू आर द सनशाइन इन माई डे एंड द मूनलाइट ऑफ माई नाइट्स। चाहे वो कितना भी दूर रहे, वो आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना कि वो करते आए हैं। क्या अफर्मेशन मई मंथ में वृश्चिक राशि को देनी चाहिए? ओके, ये अपने आप तीन कार्ड आए हैं। वेरी नाइस। जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत नॉलेज आपने ले ली है, थोड़ी सी और लेनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। अफर्मेशन भी यही कह रही है कि आई हैव क्लैरिटी अबाउट माई करियर पाथ। आपको सारी क्लैरिटी हो रही है आपके पास जो भी आपने चूज किया है उसके लिए, और आई एम रिच, आई फील रिच। वाओ, ये दोनों अफर्मेशन आपके कार्ड्स को ही रेजोनेट कर रही है बिल्कुल पूरी तरह से। ये मैं 21 डेज तक आपको डेली मॉर्निंग में आपको ये अफर्मेशन देनी है मई मंथ में, और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी ताकि आप इजीली इसे पढ़ सकें और अपनी अफर्मेशन दे सकें। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।